Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is our 7th lecture of science. You have already learned about protozoa, fungi and bacteria in a previous lecture. ठीक है, अगर आपको याद होगा कि हम ये तमाम टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और हमारा जो मेन टॉपिक था जो चल रहा था जिसमें कि हमने ये पढ़ा था वो कौन सा था? जी आपको याद आ गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लासिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में करते हैं। सबसे पहले के बारे में जिसके बारे में आपको बताया था या वो कौन सा था? बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जो बताया था वो किसके बारे में बताया था? फंजाई। इसके बाद नंबर 3rd प्रोटोजोआ, इसके बाद मैंने आपको नंबर 4th में बताया था कि ये जो क्लासिफिकेशन होती है जब उसमें मैंने आपको बताए थे कौन से थे ये, जी हाँ एलजी, और उसके बाद नंबर 5 था वायरसेस। ठीक है, इसमें वैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब इसकी बताई थी उसमें 5 नहीं पूरे बता दिए थे जो उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, जिन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो कौन से हैं, यानी कि बैक्टीरिया को कर दिया था, फंजाई को कर दिया था, प्रोटोजोआ को। ठीक है, आज जो टॉपिक होगा वो कौन सा है? ये एलजी है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद आपका एक और टॉपिक इसका रह जाएगा, कौन सा? वायरसेस। ठीक है, मैंने इसको इसलिए दोबारा आपको रिमेम्बर करवाया है ताकि सबको याद आ जाए। मुझे यकीन है कि आप लोगों को वैसे तो पता हो गई लेकिन एक दफा और इस को समझ में आ गया होगा कि हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है वो था कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, अब इसके बाद नाउ स्टूडेंट्स ओपन द बुक पेज नंबर 21। ठीक है, 21 ओपन कर लीजिएगा। इस पे ये आपका टॉपिक जो है वो दिया गया है, कौन सा? एलजी। अच्छा, इसको एलजी जो कहा जाता है, कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में एलगी भी कहते हैं, दोनों ही यूज हो रहे होते हैं, कोई कभी एलजी भी आप सुनने में मिलेगा और एलगी भी, तो ये दोनों ही सही हैं, एलजी भी और एलगी भी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बताते हैं कि ये एलजी है क्या। एलजी जैसे क्या है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने इसको प्लांट नहीं कहा बल्कि क्या कहा है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लें, ठीक है, वन बाय वन करके इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लें, तो इसका अगर हम देखें सबसे पहले इसका हैबिटेट, अगर हम इसका हैबिटेट देखें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इट अकर इन बोथ फ्रेश एंड सी वाटर, यानी कि कहाँ मिलते हैं ये? वाटर में पाए जाते हैं। किस तरह के वाटर में होते हैं? सी में भी होते हैं और फ्रेश में भी। ठीक है, वाटर में मिलते हैं, यानी कि दोनों में होंगे, सी में भी होंगे और इसके अलावा फ्रेश वाटर। ठीक है, दोनों तरह के जो है ये वाटर में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका सेकंड करेक्टर देखें तो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका पहले, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब यूनिसेलुलर जैसे कि नेम से पता है आप लोगों को, यूनि मीन्स एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और कि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं तो ये मुख्तलिफ शेप में आपको मिलेंगे, स्फेरिकल भी होते हैं, रॉड लाइक भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूनिसेलुलर है तो जो है स्फेरिकल
स्फेरिकल भी हो जाएंगे और जो है वो रॉड शेप में भी होंगे, स्पिंडल शेप में भी मौजूद होंगे, यानी कि जो है ये इनके मुख्तलिफ शेप्स में मिलते हैं। और अगर हम इसकी मल्टी सेलुलर की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये ब्रांच भी होते हैं, फ्लेमेंट लाइक भी होते हैं, यानी कि इस तरीके से फ्लेमेंट लाइक भी होते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, ब्रांच भी होती है, पास में ब्रांचेस भी निकल रही होती हैं, और कुछ जो होते हैं अन ब्रांच होते हैं, यानी कि सिंपल जो होते हैं वो इस तरीके से मौजूद होते हैं एलजी, ठीक है, यानी कि यूनि मल्टी सेलुलर में मुख्तलिफ किस्म की इसकी शेप्स हमें नजर आती हैं। इसके बाद अगर हम इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे नजर डालें तो इसमें क्या है, अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, यानी कि ये अपनी फूड किस तरह लेते हैं और इन्हें किस तरह एनर्जी मिलती है, तो एलजी मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के तरीके से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको प्लांट में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में यकीनन कि फोटोसिंथेसिस के जरिए रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि है सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये भी यही काम करते हैं कि इन चीज़ों की हेल्प से जो है अपनी खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मींस ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं इसके साइज की तरफ, ठीक है, इसका साइज कैसा होता है, कितना होता है, ठीक है, जो अगर साइज के लिहाज से देखें तो सही बात है, अगर ये म्यूनी सेलुलर है तो लाजमी मीन्स बहुत ही ज्यादा छोटा इसका साइज होगा। और इसके अलावा क्या होते हैं कि छोटे साइज से लेके बहुत बड़ी बल्कि लार्ज फॉर्म में भी मिलते हैं। इसके लार्ज फॉर्म में जिसकी एग्जांपल है वो क्या है, सी वीड की, ठीक है, सी वीड जो होती है वो होती है बहुत ज्यादा लार्ज होती है और कई मीटर तक बड़ी होती है, ठीक है, कई मीटर तक बड़ी होती है। इसकी जो आप लोगों की बुक में भी एक एग्जाम्पल भी दी गई है, इस सी वीड को जो है एक नेम दिया गया है क्लिप, ठीक है, ये क्लिप्स क्या है, ये दरअसल ये ब्राउन सी वीड है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बहुत ज्यादा लार्ज फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को एक और देखें तो इसकी हम देख सकते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन के बारे में, पिगमेंटेशन यानी कि एलजी को जो है ये मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ पिगमेंट मौजूद होते हैं, जैसे ग्रीन तो होता ही है, इसके अलावा क्या है कि गोल्डन ब्राउन, ब्राउन रेड एलजी, यानी कि मुख्तलिफ इसमें पिगमेंट मौजूद होते हैं, यानी कि कौन कौन से बोले, ये ग्रीन तो होते ही हैं, ठीक है, इसके अलावा कैसे होते हैं, ब्राउन भी होते हैं इसमें पिगमेंट, ब्राउन कलर की भी नजर आती हैं, इसके अलावा ये गोल्डन ब्राउन भी नजर आती हैं, इसके अलावा ये कैसे रेड कलर की भी होती हैं एलजी, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, इसी की बेस पर जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन जो एलजी की हो रही होती है वो किस बेस पर होती है, इसी जो मुख्तलिफ इसकी पिगमेंटेशन है उसकी बेस पर जो है ये क्लासिफाई किया जाता है कि ये मुख्तलिफ तरह की होती है। यानी कि अभी जो मैंने आपको ये पूरा टॉपिक बताया है, ये क्या बताया है, आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी के बारे में, किसके बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी, ठीक है, यानी कि इसके अगर आप देखें तो है तो ये प्लांट लाइफ, लेकिन ये मुख्तलिफ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हैबिटेट देखें तो ये वाटर में मौजूद है, सी में भी, फ्रेश में भी, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये यूनि भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं और मल्टी सेलर के भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ग्रीन पिगमेंट जब इसमें मौजूद है तो मीन्स है कि ये अपनी खुद फूड
प्रिपेयर कर रहे होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और इनका साइज देखें तो ये बहुत ज़्यादा छोटी फॉर्म में भी छोटे साइज में भी मौजूद होते हैं और जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ किस्म की पिगमेंटेशन मौजूद होती है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं कि एल्गी की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, उनके नेम क्या क्या है। ठीक है, इसकी जो एग्जाम्पल्स है से पहले आ जाते हैं, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा इसको देखें तो इसकी किस तरह शेप होती है, इस तरह फ्लेमेंट लाइक होता है, ठीक है। स्पायरोगायरा कैसे होता है, फ्लेमेंट लाइक होता है और इसमें मुख्तलिफ इस तरह इसके बैंड मौजूद होते हैं जिसमें के क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह इसका तकरीबन स्ट्रक्चर होता है और इसके दरमियान में यहाँ पे इसके जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ये स्पायरोगायरा की पिक्चर है। अब इसके अलावा तुम इसका देखें एक और एग्जाम्पल इसकी होती है जो कि कहलाती है नोस्टॉक, ठीक है। नोस्टॉक ये कैसे होते हैं, ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, इस तरह गोल गोल जिस तरह तस्बी के दाने होते हैं ना इस तरह ये जुड़े हुए होते हैं। और क्या होते हैं, इसके अट्राफ में जो है वो जेलेटिनस शीट होती है, यानी कि एक जो है स्टिकी मटीरियल मौजूद होता है किसकी, ये नोस्टॉक की, ठीक है। इस तरह जो इस तकरीबन इसकी ऐसी शेप नज़र आ रही होती है। इसके बाद आते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल दी गई है जो कि क्या है, फ्यूकस, ठीक है। अगर हम इसको फ्यूकस को देखें वे कैसे होते हैं, ये ब्रांच होते हैं यूं करके, इसकी ब्रांचेस होती हैं काफी इस तरह, ठीक है। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसकी है तो बहुत सारे, इसकी एक और देखते हैं एग्जाम्पल कौन सी है। इसकी एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसकी तो होती है क्लेमाइडोमोनास। अब जो इसका स्ट्रक्चर है भी मैं इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगी क्योंकि आज के जो होमवर्क में भी मैं इसकी डायग्राम आपको दे रही हूँ, क्योंकि हर हमने बैक्टीरिया भी पढ़ा उसकी भी एक डायग्राम बनाई थी आपको याद होगा, फिर हमने फंजाई पढ़ा उसमें भी बनाई एक डायग्राम, इसके बाद प्रोटोजोआ आया इसमें भी एक डायग्राम। तो लाजमी बात है, सारी बात है, अब ये एलजी का टॉपिक हमारा चल रहा है तो इसकी भी कोई एक डायग्राम लाजमी बात है आपके सिलेबस में शामिल होगी। तो इस वक्त जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो इसकी एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसकी शेप किस तरीके से होती है, ये तकरीबन ओवर शेप का होता है और पियर लाइक, या जिस तरह पियर लाइक इसको कहा जाता है जैसे कि नाशपाती होती है, ठीक है। नाशपाती पियर लाइक होता है तकरीबन, ये ओवर शेप का होता है,
ये इसका तकरीबन इस तरह है, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये नाशपाती लाइक होता है, पियर शेप जिसको कहा जाता है ये इस तरह होता है, यानी कि एक एलजी की एग्जाम्पल है क्लेमेडोमोनास। और ये कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर है, जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसमें यहाँ पे दो जो मौजूद होते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं, इसमें वाटर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें इस तरह फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्योंकि ये जिसकी मदद से मूव कर रहा होता है। अच्छा, इसकी जो बाहर की लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर वाली होती है, सॉरी, ये अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो ये बाहर वाली लेयर होती है ये क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, बाहर वाली जो होती है सेल वॉल कहलाती है, और अंदर वाली जो होती है वो लेयर वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो होता है यहाँ पे कप लाइक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये जो होता है इसमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे आई स्पॉट मौजूद होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इस तरह राउंड साइज स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है पाइरोनाइट। जो होता है ये पाइरोनाइट कहलाता है, जो कि स्टार्च बनाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है क्लेमेडोमोनास का। अच्छा, ये भी बता दूं कि इस क्लेमेडोमोनास, अब आप देख रहे होंगे कि मिस पढ़ा रही है प्लांट का, और इसमें बता रही है आई स्पॉट भी है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला सारी बात है, इसकी मदद से मूव करता होगा ये, अब ये प्रोटीन भी बना रहा है। तो असल में इस एलजी को हम प्लांट में और जो है एनिमल दोनों में ही इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है प्लांट में, हमने इसको क्यों रखा जाता है, इसकी एक मेन कनेक्टर क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि आपको पता है ग्रीन पिगमेंट से वो सिर्फ प्लांट में मौजूद होते हैं। ठीक है, हम इसको जो है वो प्लांट की फैमिली में भी रखते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। लेकिन इसमें आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इसमें दो मौजूद है, और वाटर मिनरल्स मौजूद होता है, और इसके अलावा ये आई स्पॉट क्या काम कर रहा है, ये देखता नहीं उससे बल्कि क्या इसे फील करता है। ठीक है, टेम्परेचर को फील कर सकता है, रोशनी को, और जो है अंधेरा कहाँ है या रोशनी कहाँ है इसको फील कर सकता है। इसकी बेस पे इसमें जो है फ्लैजिला मौजूद होते हैं जिससे कि ये मूव करता है। ठीक है, इस बेस पे हम इसको जो है वो एनिमल में भी रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है आपको पता है सिर्फ उससे प्लांट सेल में होती है, यानी कि जो सेल्स की अगर आपको स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे तो सेल जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, प्लांट सेल की बात हो रही है, और जो होती है एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन। तो जाहिर बात है इसमें अंदर मौजूद है, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी। ये करेक्टर जो इसको कर रहा होता है किसकी तरफ, कि ये प्लांट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, प्लांट की तरफ है कर रहा होता है। लेकिन इसमें जो है एक चीज मौजूद है, क्या हो रही होती है, इसमें आई स्पॉट मौजूद है,
जो कि क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था क्या, यानी कि रोशनी में है या जो है वो अंधेरे में है, ये इसको फील कर सकते हैं गाइस पॉट्स। इसके अलावा इसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल दो मौजूद है, क्योंकि प्लांट सेल में हमेशा एक होता है लार्ज होता है, और एनिमल्स में जो होता है वो स्मॉल होते हैं, मैनी होते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लैजिला मौजूद है जिसकी मदद से ये मूव कर रहा है, तो इसका ये करेक्टरिस्टिक भी जो है वो किसकी तरफ जा रहा होता है, एनिमल की तरफ। तो इसको इसमें दोनों ही में रखा जाता है। वैसे ये है कैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको इसीलिए बताया ज़रा ताकि आपके जो होमवर्क में भी मैं दूँ तो आपको वो समझ में आ जाए। अब ये डिफरेंट टाइप्स की एलजी की पिक्चर्स आप देख रहे हैं जो इनकी पिगमेंटेशन की वजह से है, यानी कि ये ग्रीन एलजी कहलाती है, और इसके बाद ये देखिएगा ये कहलाती है एग्जांपल है गोल्डन ब्राउन एलजी, उसका कलर आप देख रहे होंगे ये गोल्डन ब्राउन एलजी का कलर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा ये रेड एलजी यानी कि रेड कलर में भी एलजी मिलती है, और ये आप देखेंगे किस तरह ये ब्रांचेस हैं इसकी, और ये एलजी की एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है ये ब्राउन एलजी यानी कि ब्राउन कलर में भी एलजी जो है वो मिलती है, और ये आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें, यानी कि इनकी पिगमेंटेशन की वजह से इनके कलर डिफरेंट होते हैं एलजी के। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने पढ़ लिए करेक्टरिस्टिक्स। अब आप देख रहे होंगे टॉपिक क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशियल एलजी, या इसको हम क्या भी कह सकते हैं यूजफुल एलजी, यानी कि एलजी हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि एलजी आर यूज बाय ह्यूमन इन मैनी वेज, नंबर वन एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, एलजी क्या एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किए जाते हैं। आपको पता है फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जिससे के फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये जो कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं एलजी को, कि ये क्या करते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद होती है, ये एंजाइम्स की मदद से, नाइट्रोजिनेसिस एंजाइम्स की मदद से जो होते हैं उनको फिक्स करते हैं उस नाइट्रोजन को, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और हेल्दी प्लांट ग्रो होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं कि एलजी जब ख़त्म हो जाते हैं, डाई हो जाती है, तो वो क्या होते हैं कि इनकी बॉडी में जो मौजूद होते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट, ये दोबारा जब ज़मीन में शामिल हो जाते हैं तो इससे इस तरह भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है अच्छी, और ये एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर फिर इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एलजी जो है वो ऐसा फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। इसके अलावा क्या होते हैं, ये बायो रिएक्टर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि बायो रिएक्टर के तौर पर, एलजी बायो रिएक्टर के तौर पर किस तरह के मुख्तलिफ पावर प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, आपको पता है किसी भी फैक्ट्री वगैरह में जो है कोई काम हो रहा होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही होती है वो रिलीज हो रही होती है, तो क्या होते हैं कि वहाँ पे ये एलजी को ग्रो किया जाता है, ताकि ये एलजी जो होते हैं वो क्या होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनहेल करते हैं, लेते हैं। और क्यों ले रहे होते हैं, आपको पता है एलजी जो होती है ऑटोट्रॉपिक होती है, क्या करती है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रही होती है, और इसके लिए उसको फोटोसिंथेसिस के मेथड के जरिए अपनी जो होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करेगी। तो मेन बेसिक चीज़ उसे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जो है बायो रिएक्टर ऐसे प्लांट लगाए गए हैं पावर प्लांट के, उससे क्या होते हैं कि वो रिलीज जब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये एलजी वहाँ पर जो मौजूद होती है वो क्या होती है उससे लेती है और अपनी फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो बायो रिएक्टर के तौर पर इस्तेमाल होगी। नंबर थ्री, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। अब ये क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, यानी कि जो अगर पानी जो है वेस्ट हुआ
हुआ है, खराब पानी मौजूद है, मुख्तलिफ उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मौजूद है, मुख्तलिफ मिनरल्स वगैरह मौजूद है। तो एलजी क्या होती है, वहाँ पे जब ग्रो की जा रही होती है तो उससे क्या होता है, ये वो अपने अंदर ले लेती है उन गैसेस को या उन केमिकल्स को, और उससे क्या होता है पानी, जारी सी बात है, वो साफ हो जाएगा और एलजी जो होती है वो वहाँ पे आसानी के साथ जो है वो ग्रो करती है। इसके अलावा जो होती है एलजी का एक और जो बेनिफिशियल क्या है, इसका यूज़ क्या है, एज अ फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होती है। फ्यूल किसे कहते हैं, जो जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ है, जिस तरह ऐसे जो फ्यूल यूज होते हैं जैसे है बायोडीजल है, ठीक है, बायोडीजल है, बायोएथेनॉल है, इसके अलावा बायो ब्यूटेनॉल है। ये तमाम किस्म के फ्यूल्स भी जो है वो एलजी से हमें हासिल होते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल ऑयल भी जो है वो हासिल किए जा रहे हैं इन एलजी से। यानी कि अगर हम कंपेयर करें कि टेरिस्ट्रियल क्रॉप से जो हमें मिल रहे इस मकसद के लिए हम फ्यूल हासिल किए जा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा तादाद में हमें जो है ये एलजी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका बेनिफिशियल अगर हम देखें तो क्या हो रहते हैं, इसे मुख्तलिफ किस्म की डाई के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी कि कलर्स के लिए, ठीक है, डाई बनाने के लिए। यानी कि ये नेचुरल पिगमेंट है जो कि एलजी जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। डाई हासिल किया जा रहा है कि अगर हम ऑल्टरनेटिव देखें कि केमिकल डाई मौजूद है या कलरिंग एजेंट है, उससे जो के मुकाबले में जो है हमें ये एलजी भी होता है किस्म के डाइज प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि मुख्तलिफ कलरिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है, ठीक है। ये इसके थे मुख्तलिफ बेनिफिशियल एलजी। अब आते हैं होमवर्क पे जी। क्लास 8 होमवर्क देख लीजिए अपना, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पहले दे चुकी हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 देख लीजिएगा, डिस्क्राइब जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी, और इसकी भी सब हेडिंग है, जिसका हैबिटेट को पहले एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर स्ट्रक्चर पूरा इसी तरह, फिर न्यूट्रिशन के बारे में लिखिएगा। इसके बाद देख लीजिए ये न्यूट्रिशन के बाद है साइज, ठीक है। 4 हेडिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, पहले आप ये कॉपी कर लीजिएगा, फिर अभी थोड़ा सा और है इसका आंसर, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिएगा इसका, ये यहाँ तक 5 है पिगमेंटेशन, और इसके बाद है एग्जांपल्स, ठीक है। ये पूरा आप लिख लेंगे कि उसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका इस तरीके से। इसके बाद आप एक और डायग्राम मैं दे रही हूँ आपको, जो क्लेमेडोमोनास की मैंने आपको बताई थी, ठीक है। क्लेमेडोमोनास की ये डायग्राम आपकी है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ क्लेमेडोमोनास, ठीक है। क्लेमेडोमोनास की ये डायग्राम आपकी है, आपने ये बनानी है, इसको आप देख लीजिए पूरा इस तरीके से है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ क्लेमेडोमोनास, ठीक है। इसके बाद ये पूरी डायग्राम आप देख लीजिए और इसकी हेडिंग है नीचे, ठीक है। पूरी लेबलिंग आप इसी तरीके से इसमें कीजिएगा, ठीक है। ये पूरी आपकी लेबलिंग आपकी इस तरह हो जाएगी, फ्लैजिला है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, पायरोनाइड है, सेल वॉल है, तो यहाँ पे आ जाए एपिकल पेपलिया। एपिकल पेपलिया किसे कहते हैं, जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा उभार मौजूद है इसको, ठीक है। आई स्पॉट है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाद क्लेमेडोमोनास की हेडिंग, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आप पहले कर रहे थे क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आज का होमवर्क क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ तक इसकी डायग्राम तक है, ठीक है। इसको साथ साथ करते रहिएगा, और इसको आप लोग व्हाट्सएप पे शो भी किया करें कि अपने काम जिस तरह कर रहे हैं, जो आज का जिस तरह काम है उसको जो है वो अब नेक्स्ट डे जब लेक्चर हो तो फिर उसमें शो करा करें, सारा एक साथ नहीं बल्कि क्या एक एक करके, जिस तरह आपका आज का लेक्चर का जा रही हो नेक्स्ट उसमें आप शो करें कि पता चले कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज जिस तरह 2 क्वेश्चन है तो बस इस 2 क्वेश्चन को मुझे दिखाइएगा, और यकीनन आप प्रीवियस काम भी साथ साथ आपने किया होगा 13 तक भी,
ठीक है, जो आपके 12th तक यानी क्वेश्चन है वो भी हो चुके होंगे आपके। तो अब इसको अभी भी इसको दिखाइएगा कि अपने किस तरीके से इसको काम कर रहे हैं। और फिर सारी बात है, जब स्कूल में कॉपीज मंगवाई जाएंगी वो चेकिंग होगी, तो उस वक्त तो आपका शुरू से प्रीवियस काम पिछला भी वो सब चेक हो जाएगा। ठीक है, आपको यकीनन ये सबको समझ में आ गया होगा जो होमवर्क में बताया गया है और जो लेक्चर था। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।